वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, लास्ट आप लोगों ने कौन सा लेक्चर पढ़ा था? फंक्शन का पढ़ा था, पीएचपी में फंक्शन का पढ़ा था। सर पीएचपी स्टार्ट करनी सर अभी। पीएचपी स्टार्ट करने आप? अच्छा चलें, ठीक जी है। सर। अच्छा चलें, आप लोगों ने तो पीएचपी स्टार्ट करनी, पीएचपी से स्टार्ट करना। चलें ले जी, पीएचपी जो है ये हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग जो है, इसका एब्रीविएशन है पीएचपी। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होती है, जैसे एएसपी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जेएसपी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसी तरीके से ये जो पीएचपी भी है सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, सपोर्ट करती है मुख्तलिफ डाटा बेसिस को, जैसे माई सीक्वल हो गया, इंफॉर्मिक्स हो गया, ओरेकल हो गया, सी बेस, पोस्ट ग्री एस क्यू एल और जेनेरिक ओ डी बी सी एट्रेसेट्रा, इन सारे से कनेक्ट हो जाती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री डाउनलोड और यूज़ है, और परफॉर्म सिस्टम फंक्शन फ्राम फाइल ऑन सिस्टम, इट कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, क्लोज फाइल्स के जो है, और सिस्टम्स फंक्शंस को भी है क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स को डील कर सकता है, डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सकती है, डेटाबेस के अंदर एलिमेंट्स को मॉडिफाई डिलीट वगैरह कर सकती है, कुकीज मैनेजमेंट कर सकती है, कुकीज वेरिएबल, और देन वेबसाइट के ऊपर जो है के कैन रिस्ट्रिक्ट यूजर टू एक्सेस सम पेजेस ऑफ योर, यानी उसके ऊपर सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। ये कुछ फीचर्स की बात हो रही है पीएचपी के। देन पीएचपी फाइल्स जो है में एचटीएमएल टैग्स भी होते हैं और स्क्रिप्टिंग के टैग भी होते हैं। पीएचपी फाइल आर रिटर्न टू द ब्राउजर एज प्लेन एचटीएमएल। पीएचपी फाइल जो है एग्जीक्यूट करने के बाद, यानी उसका स्क्रिप्ट को रन करने के बाद, उसकी एचटीएमएल फाइल बनाते हैं। पीएचपी की फाइल की एक्सटेंशन डॉट पीएचपी है, डॉट पीएचपी 3 है, डॉट पीएचटीएमएल है, पीएचटीएमएल, इन तीनों एक्सटेंशन को यूज़ किया जा सकता है। और 1994 में बनी थी लॉगिन सर्वर साइड जनरेशन के लिए, एचटीटीपी यूजर लॉगिन के लिए। फिर 1952 में इसका एक और वर्जन आया था, सर्वर साइड एम्बेडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, डेटाबेस सपोर्ट, और इसके अलावा फाइल को अपलोड करना, वेरिएबल, अरे, रिकर्जन, फंक्शन, कंडीशन, ये लैंग्वेज के फीचर पीएचपी 2 के अंदर आए थे। पीएचपी 3 के अंदर जो है ओडीबीसी डाटा सोर्सेज की सपोर्ट आई थी, ईमेल प्रोटोकॉल्स की सपोर्ट आई थी, और पार्सर की सपोर्ट आई थी। उसके बाद पीएचपी 4 के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ वेब सर्वर फॉर एडेड एफिशिएंसी,
इसके अंदर जेंड का इंजन आया था, सिक्योरिटी फीचर्स ऐड हुए थे, पीएचपी 5 के अंदर जो है जेंड इंजन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट आई थी, एक्सएमएल सपोर्ट आई थी, और ये एसओपी, ये जो एसओपी है एक्सटेंशन वेब सर्विसेज के लिए, जो जैसे रेस्ट एपीआई, ये इस तरह की एसओएपी भी है जो वेब सर्विसेज के लिए है। ये पीएचपी 6 जो है वो डिस्प्यूट का शिकार हो गई थी, पीएचपी 7 2006 में रिलीज हुई थी, और पीएचपी 7.4 जो है और पीएचपी 8 से पहले 2019 नवंबर में आई थी, नई फीचर है, सिंटैक्स एडिशन एंड फिक्सेस है। ये सारी थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री हो गई। टू डेवलप एंड रन पीएचपी वेब पेजेस 3 वाइटल कंपोनेंट, इसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप कोई वैम्प सर्वर कर लो, जैम्प सर्वर कर लो, उसके अंदर सारे पैकेज होते हैं, उसके अंदर माई सीक्वल भी हो जाएगा, टॉम कैट भी हो जाएगा, पीएचपी के लिए भी जो है ये सारी चीज़ें अलग अलग से करना है तो आपकी मर्ज़ी, वो भी हो जाते हैं इंस्टॉल। उसके बाद कॉन्सेप्ट है वेब सर्वर का, पीएचपी विल वर्क वर्चुअली एज वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, बट देन मोस्ट ऑफन यूज फ्रीली अवेलेबल अपाची सर्वर। अपाची का जो है सर्वर जो है इसके अंदर वेब सर्वर की मुख्तलिफ जो है एग्जाम्पल में पीएचपी का अंदर जो है आईएएस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, एक पीडब्ल्यूएस होता था पर्सनल वेब सर्वर, डेटाबेस पीएचपी विल वर्क वर्चुअली ऑल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, माई सीक्वल भी जो है वो मैंने आपको बताया जैम सर्वर के अंदर वो साथ खुद इंस्टॉल हो जाती दोनों चीज़ें, वो कर ले वैम्प सर्वर या जैम सर्वर कर ले। MySQL इज़ अ डेटा बेस सर्वर, MySQL आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड SQL प्रोवाइड करती है इसकी सपोर्ट, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकती है। ये वैम्प सर्वर है जो मैं अभी बात बता रहा था, इसी तरीके से जैम्प सर्वर भी आ गया है, अब उसमें अपाची का है, MySQL है, PHP भी है, और लेटेस्ट वर्जन 3.2 के लिए आपने लिंक है, और भी है जो लेटेस्ट है आप वो कर लें वो बेहतर है, बताइए क्या पुराने करें। स्टार्ट पीएचपी का जो आप कोड लिखते हैं वो स्टार्ट होता है, जैसे आप एचटीएमएल का लिखते हैं ना, टैगिंग है ना, पहले आप कहते हैं जी एचटीएमएल का टैग है, फिर आप कहते हैं जी बॉडी का टैग है, इसी तरीके से पीएचपी का जो सिंटैक्स है वो भी टैग बेस्ड ही है, तो पीएचपी का जो स्क्रिप्ट लिखना है वो आपने इस स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है, क्वेश्चन मार्क पीएचपी और एंड के लिए ये टैग है, इसके अंदर जो कुछ लिखेंगे वो आपके पास पीएचपी का कोड लिखेंगे। पीएचपी स्क्रिप्ट ब्लॉक कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी रख सकते हैं, इसमें एचटीएमएल टैग भी मिक्स करके लिखे जा सकते हैं, ईच कोड लाइन पीएचपी मस्ट एंड विद सेमी कॉलम, ये सेमी कॉलम वाली कंस्ट्रेंट भी मेरा ख्याल है ऑप्शनल है। टू बेसिक स्टेटमेंट टू पुट टेक्स्ट विद पीएचपी इको एंड प्रिंट, कोई चीज़ डिस्प्ले करवाना तो जैसे आप सी के अंदर सी आउट करवाते थे या उससे पहले सी में प्रिंट एफ करवाते थे, यहाँ पे जो डिस्प्ले करवाने के लिए इको और प्रिंट की कमांड है, उसके अंदर जो आप देंगे वो एज ए टेक्स्ट जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो हो जाएगी। फाइल के एक्सटेंशन डॉट पीएचपी करते हैं, कमेंट करने के लिए वही जैसे सी लाइक स्टाइल है कि सिंगल लाइन के लिए ये डबल स्लैश है और मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टार है, ठीक है जी। उसके अलावा अच्छा जी, हाउ टू एस्केप फ्रॉम HTML एंड एंटर PHP मोड, PHP पार्सर ए फाइल विल बी लुकिंग फॉर वन ऑफ द स्पेशल टारगेट दैट टेल इट टू स्टार्ट इंटरप्रेटिंग टेस्ट PHP इको हेलो वर्ल्ड। अब इस काम को पहले नंबर पे जब आपने ये देखना हो कि मेरी मशीन के ऊपर PHP है या नहीं, तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे, अगर कोई भी आपके पास वो होगा वेब सर्वर होगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे आ रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच, इसका मतलब लोकल होस्ट नहीं चल रहा। मैं यहाँ पे चलाने के लिए मैं यहाँ मेरे सिस्टम के ऊपर जैम्प सर्वर है,
मैं उस जैम सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब जैम के ऊपर जो बिल्ट इन, जैसे अब ये सर्वर आपके सामने आ जाएगा, ये देखें, अब ये देखें, ये सारी चीज़ें स्टॉप हैं। अपाची का जो है पीएचपी के सपोर्ट के लिए, ये भी स्टॉप है, माई सीक्वल भी स्टॉप है, फाइलजिला, मरकरी, टॉमकैट, ये सारी चीज़ें इस जैम सर्वर के अंदर मौजूद है। मैं फर्ज किया इसको स्टार्ट करता हूँ, अपाची को मैंने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट हो गया। अब मैं लोकल होस्ट करूँगा यहाँ पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ पे ये आ गया। लोकल होस्ट करने से इसका जो है वो डिफ़ॉल्ट भी बार बार आ जाता है, ये मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की हुई है, इसलिए ये डैशबोर्ड इसका आ गया, वरना इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, अब वो भी कर सकते हैं। वेलकम डॉट पी एच पी करते हैं, ये तो खैर वो कुछ और काम कर रहा है, ये जैम्प पेरेंट डायरेक्टरी करते हैं, तो ये पेरेंट आ गई। अच्छा भाई, अब यानी जब आप इसको रन करते हैं, यहाँ से भी जो जो आपके पास ये है इसको भी एक्सप्लोरर करेंगे, तो ये, अच्छा ये तो खैर हुआ। यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स भी हैं, वो भी खैर मैं आपको बता दूंगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग जो है आपने क्या किया, मैंने अपाची के जो है वो सर्वर को रन कर लिया। सीक्वल स्टार्ट करनी है यूज़, तो भी स्टार्ट करेंगे तो माई सीक्वल भी ऑन हो जाएगा। अगर आपने जीएसपी वगैरह चलाने, तो आप टॉम कैट को करेंगे तो टॉम कैट भी ऑन हो जाएगा। तो ये इसकी चीज़ें हैं जो आप इसको चला सकते हैं, ये बिहाइंड द स्क्रीन चला जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये रनिंग फॉर्म में दिखा रहा है कि ये जैम्प जो है, ये देखें ये ग्रीन का मतलब है ये दोनों चल रहे हैं। अच्छा, अब आ गया कि इसको आपने चेक करना है, तो अब इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो मैंने अभी आपको दिखाया ये पीएचपी का, एक तो आपके पास वो सपोर्ट है ना कि आप W3 स्कूल के अंदर भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, और आप अपने सिस्टम के अंदर लोकली भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास था ये मैंने किया यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, तो ये फोल्डर आ गया ये जैम्प का, सी ड्राइव के ऊपर ये जैम्प का इंस्टॉल है, ठीक है। इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक फोल्डर है एचटी डॉक्स, बाई डिफ़ॉल्ट जो है, बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि आपकी जो फाइल्स है वो यहाँ से उठाते हैं। आप इसको अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हैं, मतलब आप ये चाहते हैं कि आप किसी और, जैसे यहाँ पे MSC थर्ड मॉर्निंग वालों के लिए मैंने फोल्डर बनाया था, और आप चाहते हैं कि जब भी मैं लोकल होस्ट लिखूँ तो इस फोल्डर से इंफॉर्मेशन उठा के लाए, तो आप ये भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये इसकी कॉन्फ़िगर्स के अंदर ये अपाची HTTP कॉन्फ़िगर है, इसके आप इसमें जाएंगे यहाँ पे HTDocs, यहाँ पे ये पाथ है, ये देखिए बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो ये सेट किसके है, सी में जैम्प का फोल्डर, और ये डॉक्यूमेंट रूट के लिए, और इसकी डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट रूट और उसकी डायरेक्टरी, यहाँ पे आप जो पाथ सेट करेंगे तो वो बाई डिफ़ॉल्ट उस सेट के ऊपर आ जाएगा। तो रूट का पाथ आप यहाँ से चेंज कर रहे, फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, उसी पे रहने दिया। अब मैं कोई भी फाइल यहाँ पे रखता हूँ एचटी डॉक्स में, तो वो आ जाती है। मतलब यहाँ पे हमने एक एक फाइल जैसे चलानी है हमने एक फाइल, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ न्यू, और उसका नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट डॉट पी एच पी, फर्स्ट डॉट पी एच पी। हो सकता है कि ये जो है ना, यहाँ पे ये इसने टेक्स्ट फाइल बना दिया मुझे, इसको जो है यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, मसलन क्वेश्चन मार्क पी एच पी और क्वेश्चन मार्क पी एच पी, यहाँ पे मैं फर्ज किया वो इको लगाना है मैंने, इको हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। इसको मैं सेव एज करता हूँ, क्योंकि ये उस तरह नहीं है, ये इसने टेक्स्ट फाइल बना दी है, मुझे टेक्स्ट फाइल नहीं चाहिए एचटी डॉक्स के अंदर, मुझे ये चाहिए एज ए
PHP फाइल। मैं इसको सेव करता हूँ, शायद ये मान जाए। रिप्लेस यस, तो इसने इसको बनाया नहीं बनाया, अभी भी टेक्स्ट ही रखा है। मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। सेव एज, या इसको मुझे ऐसे डबल कोट करना पड़ेगा। अगर वो डबल कोट से चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मुझे जो है, हाँ अब ये देखो फर्स्ट ये बना दी इसने, फर्स्ट डॉट PHP। अच्छा अब इसको ये जो आपने लोकल होस्ट लिखा था वहाँ पे हम जाते हैं, लोकल होस्ट, यहाँ पे फर्स्ट डॉट, देखो ये देखो ना, ये फर्स्ट डॉट PHP, एक के साथ TXT लगा दिया, एक खाली PHP है, ये हेलो वर्ड आ गया। ये हेलो वर्ड का चलने का मतलब ये है कि आपकी जो PHP का सर्वर जो है वो चल रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक तो ये था। अब आगे हम पे स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं कि हम क्या कर रहे थे जी। ये जो बात आपके साथ डिस्कस की कि कैसे क्या होता है, तो PHP में डिस्प्ले करवाने के लिए क्या है, इको करते हैं तो या प्रिंट करते हैं, तो दोनों सूरतों में ये डिस्प्ले करवा देते हैं। तो स्टार्ट में HTML, दरमियान में आप PHP का कोड डाल लेते हैं, और लास्ट में यानी HTML के कोड के दरमियान में PHP का कोड आप डाल सकते हैं, और भी कुछ ऐसे डिस्प्ले करना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। तो इसके ये मुख्तलिफ फार्मेट हैं स्टार्टिंग और एंडिंग का, आप ये स्टाइल दे दें, ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, ये सारे चल जाएँ। ठीक है, इसमें से कुछ रिकमेंडेड हैं, कुछ नहीं रिकमेंडेड हैं, वो आप देख लें। उसके बाद इस तरीके से आप PHP का जो है वो कोड दरमियान में डाल सकते हैं, कहीं पे भी आप स्क्रिप्ट डाल दें, तो इसके अंदर जो कुछ कोड होगा वो उसको एज ए PHP का स्क्रिप्ट समझेगा और उसको एग्जीक्यूट करवाएगा जो PHP के इंजन के थ्रू। ठीक है जी, कॉपी दी कोड ऑन टू योर वेब सर्वर, सेव इट एज test.php और हेलो वर्ड को डिस्प्ले करवाएं, तो वो आपके पास जो है ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद अच्छा ये BR जो है लाइन ब्रेक के लिए है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? क्यों भाई, कोई देर में क्वेश्चन? यहाँ तक ये तो बहुत सिंपल सा ही था बात जी सर, क्लियर है सर। अच्छा अब आगे जो है, आगे चलते हैं। इसके बाद सिंटेक्स की बात आती है, इसमें वेरिएबल जो है वो डॉलर साइन के साथ बनाते हैं, जैसे वहाँ इंट वगैरह डेटा टाइप देने की होती थी, यहाँ पे डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, डॉलर साइन के साथ आप वेरिएबल और वैल्यू सेट करें, जिस तरह का डाटा होगा उस तरह का वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, एक ही है डॉलर टेक्स्ट किया, टेक्स्ट रख दिया, वैल्यू रखी तो वैल्यू हो गई। नेमिंग रूल इसमें भी वही है जैसे सी में होता था, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी करेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, कोई रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ये सारे वही हैं। कंकेटिनेशन ऑपरेटर यहाँ पे डॉट है, ठीक है, और जो दो स्ट्रिंग को क्या करता है, कंकेटिनेट कर देता है। जैसे यहाँ पे आपने ये एक टेक्स्ट वन के अंदर हेलो वर्ड, दूसरे अंदर व्हाट अ नाइस डे, दरमियान में स्पेस करके, ये डार्ट जो है कंकेटिनेशन के लिए है। कहीं पे ऐड यूज़ होता है, कहीं पे डार्ट, यहाँ भी डार्ट यूज़ होता है। इसके अलावा स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है जो स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग पोजिशन का फंक्शन है जो स्ट्रिंग में पोजिशन बताता है, जैसे वर्ड की जो पोजिशन होगी वो बता देगा। इसमें ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक भी है, लॉजिकल, रिलेशन, असाइनमेंट, सारे ऑपरेटर्स हैं। फिर इसके अंदर इफ़ भी है, इफ़ एल्स भी है, इफ़ एल्स इफ़ भी है, स्विच केस भी है, ये सारी चीज़ें इसमें भी हैं। जैसे एग्जांपल में इफ़ एल्स दिया है, आपने यहाँ पे PHP का कोड स्टार्ट किया, डी के अंदर डेट, ये डी कैपिटल देने से ये डेट आ जाएगी, डेट को चेक किया क्या फ्राइडे है, डेट में डी को चेक किया, अगर फ्राइडे है तो नाइस वीकेंड, एल्स इफ और एल्स इफ करके आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से केस, स्विच केस में, वैसे ये स्विच है, यहाँ पे वेरिएबल आ गया, ये केसेस आ गए, यहाँ पे एक और ब्रेक वैसे जैसे यूज होती थी, तो डिफ़ॉल्ट केस सेम वैसे जैसे सी में भी था। एरेज इसमें क्या है,
जैसे यहाँ पे ये अरे वन अरे टू, जैसे ये आप तीन वेरिएबल को सेव करना चाहते हो आप इसको अरे में सेव कर सकते हैं। अरे यहाँ पे तीन तरह से है, न्यूमेरिक अरे, एसोसिएटिव अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे। न्यूमेरिक अरे ऐसे ही है जैसे सिटी 0 1 2 3 में आपने ये ऐसे कर दिया, या इस तरह ए की लाइन में आप इस तरीके कर सकते हैं, अरे के एलिमेंट्स रख सकते हैं और इंडेक्स के जरिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी है एसोसिएटिव रे। एसोसिएटिव रे जो है वो की वैल्यू पेयर के अंदर होती है कि आप की बताएं। जैसे यहाँ पे ये एज है, आपने कहा पीटर की एज 32 है, जैन की 30 है, ये जो इक्वल और ग्रेटर देन साइन है ये असाइन टू का ऑपरेटर है। क्या है? असाइन। तो पीटर को असाइन हुई 32 वैल्यू, जैन को असाइन हुई 30 वैल्यू, जो को असाइन हुई 34। तो यहाँ पे आपने एक एजिस के नाम से अरे बना ली जिसके अंदर ये की है और ये वैल्यू है, फिर ये की है और फिर ये वैल्यू है। आप की दें और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो तरीके हैं एसोसिएटिव अरे को, मतलब आपने इस तरीके से आपने कहा एजिस की एक अरे है एसोसिएटिव अरे, उसकी पीटर की के अगेंस्ट वैल्यू क्या है 32 सेट कर दी, तो गेट करना है। तो इसी तरीके से आप ये करेंगे तो वो गेट कर लेगा। जैसे इको पीटर इज एजिस पीटर डॉट ईयर, तो ये बता देगा कि पीटर की इतने साल की उम्र है। लूप लगाना है आपने, तो लूप आप फार ईच का लूप है वहाँ पे फार, तो यहाँ पे भी लूप जो है फार भी है और डू वाइल भी है, वाइल भी है, और एक एक एक्स्ट्रा लूप है फार ईच। फार ईच जो है कलेक्शंस के साथ अटैच होता है। तो अगर आप लोगों ने सी के अलावा कोई और लैंग्वेज यूज़ की तो उसके अंदर आपको फार ईच मिल जाएगा, जैसे पाइथन में भी मिल जाएगा, जावा में भी मिल जाएगा, सी शार्प में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी फार ईच है। तो एज एज और इसको क्या कर दिया वैल्यू। अब क्या हुआ कि ये जो डॉलर साइन एक्स है उसकी वैल्यू, यानी आपने एक वेरिएबल बनाया जो असाइन हुआ वैल्यू की तरफ, एक्स की वैल्यू की तरफ असाइन हुआ, और ये सारा क्या है एज है, यानी आपने असल में डॉलर साइन एक्स को एसोसिएट कर दिया या लिंक कर दिया इस एज के साथ। और लिंक किसको किया है? वैल्यू को किया है, की को नहीं किया। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप जहाँ पे डॉलर साइन एक्स लिखेंगे वहाँ पे की दे देगा, और जहाँ पे अब यानी ये दो चीज़ें होंगी ना, एक ये डॉलर साइन एक्स और दूसरा वैल्यू। तो आपने दोनों को फेच कर लिया, की करेंगे तो डॉलर साइन एक्स करेंगे, वैल्यू करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो अब ये जैसे डिस्प्ले कराएगा वो कहेगा पीटर 35, बेन 37, जो 43। तो ये इस तरीके से दिखा दें। अगली चीज़ मल्टी डायमेंशनल अरे है कि आप एक, जैसे आपने फैमिलीज की बात की उसमें आपने कहा जी पहली फैमिली जो है वो ग्रीफन की फैमिली है, फिर जैन की फैमिली है, फिर ब्राउन की फैमिली है। ग्रीफन की फैमिली के अंदर पीटर, लुइस और मेगा है, और इसमें ग्लीन है, और इसमें क्लीवलैंड है, लोरेटा है और जूनियर है। तो ये आपने तीन फैमिली बना दी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंडेक्सिंग के जरिए भी कर सकते हैं। तो वो इंडेक्सिंग पहले जो है वो पिछले में आपने वो की वैल्यू के जरिए आपने ये ऐसे डायरेक्ट दे दी, और यहाँ पे जो है आप इस तरीके से इंडेक्सिंग के साथ दे सकते हैं। लूप इसके अंदर वही है, पीएच में वाइल भी है, डू वाइल भी है, फार भी है और फार ईच भी है। फार ईच आपने देख लिया, वाइल डू वाइल वैसे ही है जैसे सिंपल थे। वाइल में वही कंडीशन, आप ये लूप चला के देख सकते हैं, इको करेंगे तो वो प्रिंट कर देगा 1 से लेके 5 तक। इसी तरीके से ये आपकी वो डू वाइल का लूप आ गया, डू में एक मरतबा ज़रूर चलता है, ये वैसे ही है जैसे सी में आप करते थे। फार लूप में वैसे ही आइटरेटर लूप, डॉलर साइन स्टार्ट फ्रॉम 1 4 तक आई प्लस, और ये इस तरीके से इको करके डिस्प्ले। फार ईच लूप के अंदर आपने एक अरे बनाई 1 2 3, इसको अटैच किया, उसको कहा डॉलर साइन एक्स एज वैल्यू। अब क्या होगा कि आप वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे तो असल में पहले 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, खुद ब खुद 1 बाई 1 सारी सारी चीज़ें कर देगा, जैसे ये आउटपुट भी दिखा दी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम जी। ये मिड शामिल होगा फाइनल में? मिड फाइनल में शामिल हो गया आपका? मिड हो गई नहीं गया, मिड हो गया ना आपका? वो जब डिसाइड जी करेंगे सर, उस वक्त देख लेंगे सूरत हाल के, क्या पढ़ाया क्या है, बच्चे कितना रोते हैं कितना नहीं रोते, उसके मुताबिक कर लेंगे।
अभी मैं कह दूं कि हाँ शामिल है, अभी तुम ऐसे यही समझो शामिल है, उससे ये होगा कि जिसने तैयारी करनी है वो कर लेगा, तो अगर जी नहीं भी सर, होगा तो उससे ये होगा कि आपको वो टेंशन नहीं होगी। यानी जिसे जो कुछ लोगों कॉलेज वो कुछ लोगों को आदत होती है ना वो स्टार्ट के अंदर ही तैयारी करना शुरू कर देते, तो वो तैयारी करते रहे, वो जी ये सर, इस चीज़ पे ना रहे कि नहीं है वो शामिल, ये समझे पहले। वो सर यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन फिजिकल का ऑप्शन दिया, उन्हें इस हवाले से हाँ पूछा था। जी, आपने सही कहा वो, लेकिन जो है ना जैसे जैसे जिस तरह के डिसीजन आएंगे आप उसके मुताबिक हम उसको चल लेंगे, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसके बाद जो है हमारे पास शुक्रिया फॉर्म की एक्सेस आ गई। फॉर्म क्या है कि मसलन आप ये करते हैं कि एक फॉर्म बनाते हैं, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपने डाटा सेंड करना होता है ना, मतलब आपने लॉगिन का फॉर्म बनाया, लॉगिन के फॉर्म के अंदर आपने मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दी, अब उस इंफॉर्मेशन को जो है वो सर्वर के साथ मैच करके देखता है कि इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड सही दिया है कि नहीं दिया। तो बेसिकली एक फॉर्म से इंफॉर्मेशन सेंड होती है, दूसरे में रिसीव होती है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ पे वो कुछ इस तरह का ही है कि यहाँ पे एक फाइल है वेलकम डॉट पी एच पी, जिसके अंदर नेम और ईमेल दिया, वो फॉर्म वैसे ही है जैसे एचटीएमएल में आपने पढ़ा। उसमें एक्शन में ये क्या कहा कि जब फॉर्म का सबमिट का बटन प्रेस हो तो ये डाटा कहाँ सेंड कर दे, वेलकम डॉट पी एच पी को, और डाटा को सेंड करने का मेथड क्या हो, पोस्ट। ये दो मेथड हैं, एक मेथड है गेट का, एक है पोस्ट का। गेट के अंदर क्या होता है कि डाटा क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए जाता है, और पोस्ट के अंदर क्या होता है डाटा कंपोजिट अरे के जरिए जाता है, हिडन फॉर्म में जाता है। ये आपने एचटीएमएल के अंदर भी बात पढ़ी थी गेट और पोस्ट की, जब फॉर्म पढ़ा था तो उसमें ये बात मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे वो जो डाटा सेंड किया है वो वेलकम डॉट पी एच पी, ये वाली फाइल जो है इसका नाम जो है वो फ़र्ज़ किया रजिस्टर डॉट पी एच पी है, और ये जो दूसरी फाइल है इसका नाम क्या है वेलकम डॉट पी एच पी। तो रजिस्टर के फाइल से डाटा सेंड हुआ यहाँ इस फाइल में है, अब वो फाइल रिसीव कैसे करेगी, अब उसका जो डाटा आया चूँकि आपने पोस्ट के ज़रिए भेजा है तो वो जो एसोसिएटिव अरे है उसका नाम क्या है पोस्ट, डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट उसका नाम है, ये ग्लोबल अरे है, ये क्या है ग्लोबल अरे है, यहाँ से आप जो भी डाटा सेंड करेंगे वो इस ग्लोबल अरे में आ जाएगी। अब इस ग्लोबल अरे के अंदर आपने क्या किया नेम सेंड किया, तो यहाँ से जो डाटा सेंड किया वो इस पोस्ट में आ गया, पोस्ट की जो नेम है वो आपने यहाँ इको करवा दिया, तो इसका मतलब क्या है वेलकम जो उस बंदे का नाम है वो दे देगा, लाइन ब्रेक देगा, और यूअर ईमेल एड्रेस इज पी एच पी इको और ईमेल एड्रेस आप दे देते। तो ये इस तरीके से क्या करेगा आपका डाटा सेंड करेगा और रिसीव कर लेगा, ठीक है। फॉर्म का मेथड पोस्ट है और ये अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, फॉर्म वैलिडेशन, ये फॉर्म वैलिडेशन वाली चीज़ अभी इसको मैं रोकता हूँ, और वो जो है ना इसको भी करते हैं नेक्स्ट, पहले ये जो काम किया है इसको हम एक दफ़ा परफॉर्म करके देख लेते हैं। मसलन हमने जो अभी वो एच डी डॉक्स के अंदर देखा था कि यहाँ पे मैंने यही फाइल जो आप कर देना उसका नाम क्या रखा है, एक का नाम रखा ऑर्डर, इसको अगर आप एडिट करें इसको मैंने क्या किया ओपन विद नोटपैड किया, अगर मेरे पास ड्रीम वीवर भी है चाहे फिर भी नोट पैड पे कर लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया एक फॉर्म बनाया जिसके अंदर ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, और एक जो है मैंने ये वो लगा लिया है सिलेक्शन बॉक्स, ठीक है। और दूसरी फाइल को अगर आप ओपन करें इसको हमने क्या किया ओपन विद एडिट कर लिया, ये दूसरी फाइल में वो वहाँ से जो डाटा सेंड किया उसको रिसीव कर लिया, वहाँ से जो डाटा सेंड किया उसको रिसीव कर लिया। इसके अलावा वो जो लूप का काम किया था ना एक काम और किया है वो भी मैं अभी बताता हूँ, पहले इसको चला के देख लेते हैं। चलाने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम आगे ये देखिए जी, ये हम बैक आए पेरेंट पे, यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर के नाम से हमने क्या एक फाइल बनाई थी ऑर्डर डॉट एच टी एम एल, इसको जब चलाते हैं तो इसमें क्या आया नेम ईमेल और वॉल्वो,
मैं यहाँ पे नेम रखता हूँ, आपके सीआर का क्या नाम है? इफ्तखार है? नहीं, हमजा है। क्या नाम है? हमजा ही है। चलो कोई बात नहीं, हमजा ही मान लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मैंने इसका ईमेल वैसा अपने वाला ही दे देते हैं ये। अच्छा जी, और यहाँ मैंने इसकी जो चॉइस कर ली कि जनाब ये मर्सिडीज गाड़ी को या सैब गाड़ी को या ऑडी को जो पसंद करता है, यहाँ पे मैंने सबमिट करवाया तो यहाँ पे वो आ गया, वेलकम हमजा, योर ईमेल दिस इज दिस वन एंड योर फेवरेट कार इज ऑडी। ये वाला जो टेबल वाला काम है ये मैं बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे अब वो इस कोड को अगर आप देखें तो कोड में क्या हो रहा है, इसको ये ऑर्डर का कोड आ गया, वो पहले वाला कोड था ये जिसके अंदर ये बना हुआ था, एक टेक्स्ट बॉक्स लगा, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लगा और तीसरा वो जो सिलेक्शन बॉक्स लगा ना इधर, अगर आप यहाँ पे देखें ये उसका कोड, ये उसका कोड आ गया कि ये एक टेक्स्ट बॉक्स लगा, ठीक है, दूसरा नेम का नेम नेम ईमेल और तीसरा जो है वो कार्स। तीसरा आप यहाँ पे कर ले रहे सेलेक्ट योर कार, जो कुछ भी आपने को मैसेज मूसेज देना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट योर फेवरेट कार, ये ऐसे इसको कंट्रोल एस किया, इसको रिफ्रेश कर ले तो ये सेलेक्ट योर फेवरेट कार, ठीक है। ऐसे अगर ये बटन को नीचे ला रहा तो आप नीचे भी लगा सकते हैं, ये आप पे है, इसको जैसे भी आप। अच्छा अब यहाँ पे ये बटन है, यहाँ से ये डाटा सेंड किया और जाना किस में है, वेलकम डॉट पी एच पी पे। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वाल वही करके मैं सबमिट कर दूँ तो ये आया किस पे, वेलकम डॉट पी एच पी पे। तो यहाँ पे कोड भी यही कह रहा है कि जब आप यहाँ से सेंड करते हैं तो डाटा कहाँ जाएगा, वेलकम डॉट पी एच पी पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे आया, वेलकम डॉट पी एच पी पे, और वहाँ पे रिसीव करने वाला कोड क्या है वो भी देख ले, ये वेलकम डॉट पी एच पी। वो क्या करती है कि यहाँ से जो डाटा सेंड किया, यहाँ से जो डाटा सेंड किया कि यहाँ से आपने सेंड किया, नेम क्या है, नेम इनपुट नेम है और ईमेल है, तो यहाँ पे वो नेम और ईमेल के अंदर आपने वो डाटा रिसीव कर लिया। और तीसरी वैल्यू आपकी क्या है, ये यहाँ पे कार्स, नेम क्या है, कार्स, तो तीसरी वैल्यू आपने कार्स के नाम से रिसीव कर ली। यहाँ पे जो चीज़ देता है उसको किस में आएगी, वो सारी चीज़ें किस में है, पोस्ट की एरे के अंदर है, अंडरस्कोर डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट की एरे के अंदर, वहाँ से हम इसको रिसीव कर लेते हैं। तो इसमें अगर कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें। हाँ भाई ठीक है, क्लियर है सर? जी सर, क्लियर है सर। क्लियर है। चले ठीक हो गया। आगे जो है एक छोटा सा कोड और लिखा हुआ था ये टेबल ड्रा करने का, कि आप जेनेरिक टेबल कैसे ड्रा कर सकते हैं। मसलन इसमें मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ और आपको ताकि पता चले, मैं ये कहता हूँ जी यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट मैंने काउंटर 10 की बजाय ये कर दिया 30 का, मैंने कंट्रोल एस किया, फिर इसको रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया, तो ये कोड जो है 30 10 से स्टार्ट किया। अच्छा ये वाइल का लूप लगाया हुआ है, काउंटर में 1 दिया, 1 की बजाय मैं 5 दे देता हूँ, इंक्रीमेंट 5 की दे दी, कंट्रोल एस किया और इसको रिफ्रेश किया, तो ये कितना रह गया। इसका मतलब ये है कि ये लूप के जरिए टेबल खुद ब खुद जो है वो पॉपुलेट हो रहा है, लूप के जरिए टेबल खुद ब खुद पॉपुलेट हो रहा है। ये इधर देख लीजिएगा कि ये कैसे हो रहा है, ये इसका थोड़ा सा कोड असल में एक और स्लाइड में था तो फिर मैंने इसी में डाल के, दूसरी क्लास को मैं पढ़ा रहा था तो मैं यही डाल दिया था, तो आप भी इसको समझ लें। इसमें क्या किया, एक छोटा सा वो बनाया, ब्रश प्राइस रखी 5 रुपये की, काउंटर रखा 10 का, यानी 10 से स्टार्ट होगी प्राइस, और यानी 10 अगर ब्रश लेते हैं तो 50 रुपये की आएंगे, 15 लेंगे तो 75 रुपये के आएंगे, 20 लेंगे तो 100 रुपये के आएंगे, ये वो चीज़ जो है ना। अब इसके अंदर क्या क्या, ये लूप चला लिया,
अब लूप में ये टेबल कैसे डिजाइन हुआ इसको जरा देखने, असल चीज ये दिखाना मकसूद है। आपने पहले ये इको किया, टेबल टेबल चाहिए ना, आपने यहाँ पे ये दे दिया कि एक टेबल बनाओ जिसका बॉर्डर वन है और अलाइनमेंट सेंटर है, और ये जो स्लैश लगाई है, स्लैश की लगाई है, ये एस्केप सीक्वेंस करेक्टर है ना डबल कोट, तो इसको वो एस्केप सीक्वेंस ना समझे बल्कि इसको डबल कोट के तौर पे ही करे यूज, इसलिए इसके साथ क्या लगाना पड़ता है। वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा था सी के अंदर भी कि अगर आपने स्लैश प्रिंट करवाना है तो डबल स्लैश देते थे, अगर आपने डबल कोट प्रिंट करवाना है तो आप उसके साथ स्लैश लगाते थे, याद है ना। यहाँ पे भी ये वैसे ही है, तो क्योंकि यहाँ पे आपको वो चाहिए कि वन को आपने देना है डबल कोट के अंदर, बॉर्डर इज इक्वल टू वन देना है डबल कोट के अंदर, तो फिर डबल कोट लगाने का स्लैश के साथ लगा। उसके बाद आपने ये इको किया तो आपने रो शुरू की, रो की पहली हेडिंग टी एच जो है आपने बनाई, उसका नाम क्या रखा, क्वांटिटी। दूसरी हेडिंग आपने बनाई टी एच, उसका नाम क्या रखा आपने, प्राइस। और यहाँ पे पहली रो मुकम्मल होगी, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक रो मुकम्मल होगी, ये जो पहले वाली रो है। उसके बाद आपने वो दिखाना है अगली रो, यहाँ पे आपने लूप चला लिया, दूसरी रो शुरू हुई, उसके अंदर एक सेल बना, वैल्यू काउंटर वाली दी, सेल क्लोज हुआ, और फिर दूसरा सेल बना उसमें प्राइस भी वैल्यू दी, और यहाँ पे आके ये एक रो मुकम्मल होगी, यानी इतने कोड से ये पहले वाली लाइन मुकम्मल होगी। ये लूप दोबारा चलेगा तो फिर ये वाला हो जाएगा, फिर दोबारा चलेगा तो ये थ्री वाला होगा, और उसके बाद एक कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि पाँच पाँच की आपने इंक्रीमेंट दी हुई है, 10 था, फिर 10 में पाँच करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 20 में कंडीशन मीट हो जाएगी, नेक्स्ट नहीं चलेगा। तो अगर आप इसको और ज़्यादा 20 से लेकर या 100 तक करेंगे तो 100 तक चल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने इसको क्या किया, लूप का साइज वगैरह, और आखिर में फिर जाके देखा, जब ये लूप ब्रेक होता है तो आखिर में वो टेबल को भी ख़त्म करना होता है ना, तो यहाँ पे एंड टेबल कर दिया। टेबल आपने पढ़ा था ना, स्टार्ट टेबल होता है और एंड टेबल, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है टेबल और लास्ट लाइन पे वो एंड हो रहा है, जब लूप ब्रेक होता है तो वो जाते हुए टेबल को एंड करता है, तो उससे वो टेबल मुकम्मल हो जाता है। यहाँ तक अगर कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ, आप खुद से भी इस तरह मुख्तलिफ टेबल जरा कस्टमाइज करने की कोशिश कीजिएगा पीएचपी में। यस ठीक हो गया, चले नहीं इसको मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ, ये आगे फॉर्म वैलिडेशन की कहानी जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चले थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अटेंडेंस हाफिज सेंड, सर। अटेंडेंस सेंड कर देना मुझे। जी सर, मैं अभी कर जी सर अभी कर देता जी। हूँ। थैंक यू।